साढ़े चार बजे होगा और वक्त भी होता है और उसके अलावा मुकर्रिरीन की तादाद को भी देखते हुए ये इंतजाम किया जाता है। जलसा शुरू कर लिया जाए और शामी आते जाएंगे और मैं सबसे पहले करूँगा कि वो तिलावत कलाम पाक से जैसे का आवाज आप गुलबर्गे से तशरीफ लाए हैं और कलाम पाक से आपको भी वाले हम समझिए माइक एडजस्ट करें माइक आ रहे हैं। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن वो जिंदा तमन्ना है
दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, फिर वादिये बारा के हर जर्रे को चमका दे, फिर वादिये फारा के हर जर्रे को चमका दे, फिर ज़ौक तमाशा दे, फिर ज़ौक तफाजा दे। दिल मुस्लिम को महरूम तमाशा को फिर दीदे बीना दे, महरूम तमाशा को फिर दीदे बीना दे। देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे, दिले मुस्लिम को मटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल, मटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर उसलत सहरा दे। दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, पैदा दिले वीरा में फिर शोरिश महशर कर, पैदा दिले वीरा में फिर शोरिश महशर कर, इस महमिल खाली को फिर शाहिद लैला दे। दिले मुस्लिम को ये दुआ खास तौर पे आज के मुल्क के हालात के पस मंजर में भी है और हम सबके लिए भी है ये शेर। इस दौर की जुल्मत में हर पल में परेशान को, इस दौर की जुल्मत में हर पल में परेशान को, वो दाग मोहब्बत दे जो जान को शर्मा दे। दिले मुस्लिम को रफ़त में मफासिद को हम दोष सुरैया कर, रफ़त में मफासिद को हम दोष सुरैया कर, उतारिए साहिल दे आज़ादी दरिया दे। दिले मुस्लिम को बेलौस मोहब्बत हो, बेबाक सदाकत हो, मेरे हम तो आप सबके लिए बेलौस मोहब्बत हो, बेबाक सदाकत हो, सीनों में उजाला कर दिल सूरत मीना दे। दिले मुस्लिम को उम्मत मुस्लिम आपके लिए एहसास इनायत कर, आसान मुसीबत का एहसास इनायत कर, आसान मुसीबत का, इमरोज की शूरिश में अंदेश फरदा दे। दिले मुस्लिम को आखिर में अल्लाह सुब्हान व तआला से हम सब दुआ कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं बुलबुले नाना हूँ एक उजड़े गुलिस्ता का, मैं बुलबुले नाना हूँ एक उजड़े गुलिस्ता का, तासीर का सायल हूँ मोहताज खुदा का दे। दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, जो रूह को तड़पा दे, जो रूह को तड़पा दे। अस्सलाम वालेकुम। नाम के पहले में आए थे
कि जो दर्रा जिस जगह है वहीं आता है, तो इसमें तकदीर और ताकीद का कोई सवाल नहीं है। बस अरबाज में मोहब्बत और उनके कलाम से आप हजरात को मुकर्रिन को जो शेर कही है उसका इजहार इन तकारीफ से होगा। हमारे सबसे पहले मुकर्रिन जनाब ज़ियाउद्दीन ने किया, जो कई खूबियों के हामिल और जहाँ भी रहते हैं एक महफिल खुदार से और जब वो किताब सऊदी अरब वगैरह में थे तो उनके मकान पर भी कई यादगार महफिलें हुई और उनको खास अखबार शिनासों जैसे मुशिफ़ आदि और जनाब ज़ियाउद्दीन साहब से उनका ताउन हासिल रहा है। आप अखबार अकेडमी के भी नायब सदर और मरहूम खलीफुल्लाह हुसैन साहब से भी आपके बड़े गहरे मराफिल थे और उसने इतफाक से इस वक्त आप मजीद नामी मिलत के भी नायब सदर हैं और अखबार के कलाम पर आपकी बड़ी गहरी नज़र है। मैं सबसे पहले उनसे मुताबिक करता हूँ और अगर डॉक्टर जाफर हुसैन बड़े किताब तक ला चुके हैं तो जाहिर है कि यहाँ शहनत की प्रशंसित हूँ। जना आप लंदन से तशरीफ लाए हैं और लंदन की अखबार अकेडमी के शायद नायब सदर या अगर अगर सर रोक रहे हैं तो मैं इस बार भी सबसे पहले जनाब ज़ियाउद्दीन नैयर मेरी गुजारिश डॉक्टर जाफर हुसैन कुरैशी साहब मोहतरम मुस्तफ़ा साहब जनाब सैयद इमतियाज़ुद्दीन साहब नाज़िम इजलास और ख़वातीन और हज़रात अस्सलामु अलैकुम। आज 900 नशिस्तों के इख्तिताम पर 899 नशिस्तें हो चुकी हैं। 900 ये नशिस्त आज मुनक़िद हो रही है तो कुरैफ़ान नाज़िम इजलास ने मुझे ओपनिंग बैट्समैन के तौर पे पेश किया तो बहरहाल ये बात कि 900 नशिस्तें हुई और इंशाअल्लाह आइंदा भी सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अखबार के हवाले से ये कहूँ कि तेरा दी नफस शुमारी मेरा दी नफस गुदाजी। स्टैटिस्टिक्स तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन सवाल ये है कि उन महाफिल से कितना हम इस्तेफादा कर रहे हैं और कितना अखबार के मैसेज को हम जो है कम से कम इस शहर में ही नहीं बल्कि आज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तवसु से सारी दुनिया में वो क्लासेस जो है वो लेक्चर्स जारी किए जाते हैं और लोग जो है अपने तासुरात भेजते हैं। बहरहाल वक्त की तंगी भी है और असली मानवीयत के बारे में कुछ अर्ज करना है। अक्सर हम देख रहे हैं कि ज़माना जैसे बदल रहा है जी, अखबार को गुजर कर भी 62 और तकरीबन 80 साल हो रहे हैं इस दुनिया से गए हुए, लेकिन अखबार जिंदा है और क्यों ना हो कि अखबार की जो मानवीयत है और उन्होंने जो फैज हासिल किया है उसका सरचश्मा फैज कुरान और हदीस है और ये अबदी सरचश्मे हिदायत के हैं और उसी वजह से अखबार का कलाम भी एक अबद तक उसको जारी रसाई रहेगा
क्योंकि वो कुरान और हदीस की रोशनी में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मोहब्बत के पस मंजर में उन्होंने अपना कलाम शेयर करें। जज्बा की कायमियत या जज्बा का रिलेवेंस एक अहम सवाल है जो कुछ मुदत से बार बार जो है वो बदल रहा है। पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में दोनों जगह पर भी उसका रिलेवेंस का हम वक्तन फवक्तन जायजा लेते रहे हैं। गोया बातचीत के दुरुस्त बाकी है कि अखबार का कलाम किस हद तक आज के माहौल का फिक्री और फनी तौर पर साथ दे रहा है। मैं समझता हूं कि अखबार को खुद इस बात का एहसास था और इस तरह के मिसरे उनके कलाम में मिलते हैं। कहते हैं मन नवाए शायर परदास्तम और उन्होंने कहा देखता हूं दोष के आईने में पर्दा को मैं, और एक जगह कहते हैं कि खोल कर आंखें मेरे आईने गुफ्तार में आने वाले दौर की धुंधली सी एक तस्वीर देख, और एक जगह कहते हैं हादसा वो जो अभी पर्दाए अफलाक में है, हादसा वो जो अभी पर्दाए अफलाक में है अक्स उसका मेरे आईने इदराक में है। तो ये शायराना ताली ही नहीं बल्कि इसकी भी गमाजी करती है कि अखबार उस दौर के साथ अपना रिश्ता बरकरार रखने के आरजूमंद थे जो अभी मारज वजूद में नहीं आया, यानी मुस्तकबिल आफरीनी उनके पेश नजर रहती थी और ये आरजू एक कड़क बनकर उनके दिल में मौजूद रही है। इस बात का एहसास सिर्फ अखबार ही को नहीं हर बड़े शायर को रहा है। गालिब के यहाँ यही शिद्दत एहसास मैं अंदरीबे गुलशने ना फरीदा हूं बल्कि उठा अखबार की फिक्र की गहराई में उतरने के लिए रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट का जो है मुतालिया जरूरी है। हमारे शहर के मुमताज माहिर अखबार थे प्रोफेसर सलाहुद्दीन साहब, वो कहा करते थे कि अखबार ने शेर शायरी अवाम के लिए की और उनके जो लेक्चर्स हैं वो खवास के लिए। बतौर प्रोफेसर सलाहुद्दीन अवाम के लिए शायरी के मीडियम को उन्होंने इस्तेमाल किया। अगर हम रिलीजियस थॉट का दीबाचा पढ़ें तो मालूम होगा कि उस दीबाचे का क्या है कि नवाए शायर परदास्तम की तफसीर है, और इसे देखकर यह बात में बैठ जाती है कि अखबार मॉडर्न थॉट और मॉडर्न एक्सपीरियंस जदीद फिक्र और जदीद तजर्बे को बड़ी अहमियत देते थे। अखबार मजहब और साइंस में एक हम आहंगी महसूस कर रहे थे। फिक्र अखबार का एक अहम पहलू तसव्वुफ भी है। अमीर खुसरो और गालिब की शायरी की अजमत से इनकार नहीं, जिस मौजू को उन शोरा ने हाथ लगाया है उसे हयात जामेगा बख्शती है। तालिब ने कहा था हम मवाहिद हैं हमारा के शर्तर के रसूम, मिलतें जब मिट गई अजाए इमा हो गई। वो अपनी बुलंद खयाल की और मजमून आफरीन के बावजूद बड़ी हद तक तसव्वुफ के उसी दायरे में महसूर रहते थे, लेकिन अखबार ने आकर ये बात तो कही गर्चे है मेरी जुस्तजू दैर और हरम की नक्श बंद, गर्चे है मेरी जुस्तजू दैर और हरम की नक्श बंद मेरी खुबा से रस तेज काबा और सुलमान। तो वो अमीर खुसरो और गालिब से कदम आगे बढ़ जाते और अपनी खुबा से काबा और सोमनाथ में रस तेज बर्पा करते हुए फिक्र की इंतहाई नाजुक मंजिलें तय करते हैं। अखबार पर कुफर के फतवे दो बार लगे और इस कुफर के फतवे को लाहौर के शहर में दीवारों पर चश्मा भी किया गया और मौलाना सुलेमान नदवी अलैहि रहमान ने जिनके बारे में अखबार ने कहा था कि जुए शीर का प्रहार और उस्ताद कुल, मौलाना सुलेमान नदवी के बारे में उन्होंने कहा था, उन्होंने उनके बारे में कहा कि शायर अखबार अगर ये रिलीजियस थॉट की किताब न लिखते तो बेहतर था।
میرے خیال میں یہ بھی ایک چھوٹا موٹا فتویٰ ہی ہوگا جی. اب سوال یہ ہے کہ ہم شاعری پر تو بہت غور و فکر کر رہے ہیں, پڑھتے سر دھنتے ہیں, لیکن ان کی نثر پر جو خواص کے لیے, علماء کے لیے, محققین کے لیے لکھی گئی تھی اس کی طرف کم توجہ دیتے ہیں. گویا اقبال نے اپنے عہد سے ٹکر لی. یہ خیال بھی آتا ہے کہ یہ کتاب اگر انگریزی میں لکھنے کے بجائے اردو میں لکھی جاتی تو شاید اور دو چار صفحے بڑھ جاتے. بہتر ہوا کہ انہوں نے انگریزی ہی میں لکھی. تو برادران عزیز, اقبال کا جو ریلیونس خصوصاً ہندوستان کے پس منظر میں آج کے حالات میں ہے, تو یہاں کی ہندوتوا فورسز, جماعتیں دراصل اسی وطن پرستی کی دعوت دے رہے ہیں. وطن پرستی اسلام میں ممنوع ہے, اسی کو اقبال نے اپنے ایک شعر میں کہا تھا. ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو بائن اہم ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے. تو یہ اقبال ہی تھے جس وقت وندے ماترم کے ترانے کو عام کرنے کی کوشش جا رہی تھی, اس کو مسلمہ قرار دینے کی کوشش کی جا رہی تھی. تو اقبال نے اس کی سخت مخالفت کی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ مشرکانہ اشعار جو ہے ترانہ نہیں بن سکتی, اور نہ صرف یہ بلکہ اقبال جو ہے ایسی جماعتیں جو وطن پرستی کی دعوت دے رہے ہیں, ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم کو وطن سے محبت ہے, لیکن ہم وطن پرستی نہیں چاہتے, ہم وطن کو محبوب مانتے ہیں, معبود نہیں مانتے. یہ جو فرق ہے, یہ اقبال کا جو ریلیونس ہے اس میں اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. مگر اب تک انہیں کوئی کامیابی ہندوتوا فورسز کو حاصل نہیں ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اقبال نے وطن پرستی کے خلاف جو فضا بنائی تھی اس کا اثر آج تک باقی ہے. یہ بات بھی یاد رہے کہ اقبال کی زندگی میں وندے ماترم کو قومی ترانہ بنانے کی بات چڑھی تھی, اقبال اس کی مخالفت کی تھی اور اس کو مشرکانہ قرار دیا تھا. آج بھی مسلمانان ہند کی بھاری اکثریت اس ترانے کو مشرکانہ مانتی ہے اور اس کے خلاف ہے کہ وطن مسلمانوں کو محبوب ہے لیکن یہ ان کا معبود نہیں ہے. مسلمانوں نے جہاں اسلام کے بیان کو برادران تک پہنچانے کی منظم کوشش نہیں کی, اسی طرح اسلامی مساوات کو پیش نہیں کیا اور نہ اس کا مظاہرہ کیا. دستور میں مساوات کو بنیادی حق قرار دینے کے باوجود, چھوت چھات کے خلاف قوانین بنانے کے باوجود برادران وطن میں آج بھی ذات پات کی بنیاد پر ادنا اور اعلیٰ کا تصور باقی ہے. ہندوستان میں یہ بہت دیر سے یہ مزاج پایا جاتا ہے کہ دوسری اقوام کو جو قومیں باہر سے آئیں, آلیہ آئی, آنے کے بعد سائتھن آئے, ساکا آئے, لیکن آج ان کا کوئی نشان نہیں پایا جاتا. گوتم بدھ ہندوستان میں پیدا ہوئے, یہی اپنا مذہب پیش کیا انہوں نے, مہاویر نے, لیکن کیا بات ہے کہ آج گوتم بدھ کی تعلیمات کو تلاش کرنا ہے تو آپ کو سری لنکا, بینکاک, تبت, وہاں جانا پڑتا ہے, ہندوستان میں آپ کو ملتے نہیں. تو کیا ان کو آسمان کھا گیا, کیا یہ زمین میں دھس گئے؟ نہیں, بلکہ یہاں کا جو انضمامی مزاج رہا ہے, انجذابی مزاج جو رہا ہے, ایسیمیلیشن کرنے کا جو مزاج رہا ہے, اس طرح سے یہ قومیں ایسیمیلیٹ ہو کے رہیں گی. ان کے بابت خانوں میں مہاویر کو اور گوتم بدھ کو داخل کر دیا گیا بت بنا کر اور ان کو انہوں نے اس میں ایسیمیلیٹ کر دیا. یہ کوشش مسلمانوں کے لیے بھی بہت عرصے سے جاری ہے, لیکن الحمدللہ مسلمان
चने लोहे के चने साबित हुए हैं। अब तक वो जो है अपनी शनाख्त को बाकी रखे हुए हैं और इंशाल्लाह बाकी रखेंगे। हम इकबाल की तालीमात की रोशनी भी यही चाहते हैं कि हमको वतन से मोहब्बत है, लेकिन वतन हमारा माबूद नहीं है, इस बात को महसूस करना होगा। नेशनलिज्म, वतन परस्ती के खिलाफ इकबाल ने बड़ी मजम्मत की है, तनकीद की है, इसको वक्त का तकाजा है। मसलहतों का शिकार हमको नहीं होना चाहिए, हर बात कही जाए। जिस तरह से आज तक हमने हिफाजत की है, उसी तरह मुस्तकबिल में भी हमको अपनी बका के लिए कोशिश करनी चाहिए। हिंदुस्तान इकबाल का एक और एक पहलू मैं आपके सामने रखते हुए अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा, वो ये कि इकबाल कहते हैं ये तारीख जो है वो कौमों का हाफिजा होती है। जिस तरह से एक इंसान के जहन में उसका जो हाफिजा होता है उसके बगैर वो कुछ काम नहीं कर सकता, उसको इंस्पिरेशन किससे मिलेगा। तो चुनाचे इकबाल ने तारीख की बड़ी अहमियत बताई, लेकिन आज कोशिश की जा रही है। अंग्रेजों ने पहले कोशिश की कि औरंगजेब आलमगीर को ये बताकर पेश करें कि इन्होंने मंदिरों को उठाया, हिंदुओं के निशाना को मिटाया, सब इल्जाम है, गलत बातें ले लेके अगर बात रखती है तो बनारस के विश्वनाथ मंदिर तक जो है बात बाकी रह जाती। विश्वनाथ मंदिर को भी क्यों तबाह किया गया, क्यों गिराया गया, उसका इंतजाम क्यों किया गया, वो तो तारीख गवाह है कि हिंदू राजाओं ने कहा कि वहां हिंदू रानी की अस्मत रेजी की गई है, और वहां जहां औरत के साथ ऐसा उसको जहील किया जाए वो वहां भगवान नहीं रहते, लिहाजा उसको मुनाजिम करने की जरूरत। उन राजाओं के ईमान पर और इसे आलमगीर ने उस मंदिर को गिराया। मुसलमान बादशाह जालिम नहीं रहे। उसी तरह और एक दूसरा मिसाल के तौर पर आप देखेंगे टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान के बारे में हाल में कर्नाटक में भी बड़ा हंगामा रहा, लेकिन ये वही टीपू सुल्तान है जो यहां की खवातीन टॉपलेस फिरती थी, उनको कपड़ा पहनना सिखाया। अगर टीपू सुल्तान से बरादरान वतन को दुश्मनी थी तो फिर क्यों उसकी शहादत के बाद उसका जनाजा जब बाहर लेके जाने लगा तो बहुत सारी हमारी हिंदू भाइयों की औरतें स्नान करके उनके बालों से पानी टपक रहा है, लेकिन सुल्तान टीपू की मैयत के सामने मातम करते हुए गुजरती। अगर उनको टीपू से मोहब्बत नहीं थी तो आखिर वो ऐसा क्यों करती। तो बरादरान अजीज बात और बढ़ जाएगी।